नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है कैंसर। तो सबसे पहले बात करें कि कैंसर है क्या। कैंसर है अनकंट्रोल्ड रीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन आवर बॉडी, मतलब अर्थात जो सेल्स हैं एबनॉर्मल सेल्स वो एकदम अनकंट्रोल्ड, मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोल संभव नहीं है, इस तरह की डिवीजन होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको उन सेल्स को हम एबनॉर्मल ग्रोथ को हम एक ट्यूमर और कैंसर कहते हैं। लेकिन इन स्टेजेस को हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो पहली स्टेज है बिनाइन, मतलब हार्मलेस। वो अनकंट्रोल्ड रीजन जो सी है वो हो तो रही है हमारे शरीर के अंदर सेल्स की, लेकिन वो हार्मलेस है, इसको हम बोलते हैं बिनाइन। सेकेंड आती है जो प्री मेलिग्नेंट, अर्थात अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता समय से तो वो आगे जाके कैंसर में बदल सकती है। और कैंसर अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पर ट्रीट नहीं करें तो कैंसर में बन के आगे घातक सिद्ध हो सकती है। थर्ड स्टेज आती है मेलिग्नेंट, अर्थात अगर हम उसको अभी ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कंडीशन वर्स होगी, खराब होगी और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो ये तो बात रही कैंसर को समझने की। अब मैं बात करना चाहूंगा कैंसर से जुड़ी कुछ भ्रांतियों की। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों को होता है कि किसी मनुष्य के माता पिता दोनों में किसी भी जगह पे अगर कैंसर है तो क्या आगे कैंसर होगा उसकी अगली जनरेशन को या उससे अगली जनरेशन को, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि अगर ऐसा है तो उनमें कुछ कैंसर के नाम गिनाऊंगा। ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन का कैंसर, दूसरा ओवेरियन कैंसर बच्चेदानी का कैंसर, तीसरा कोलोरेक्टल अर्थात जहां से हम स्टूल पास आउट करते हैं उस जगह का कैंसर। ये दो तीन कैंसर ऐसे हैं जो जीन्स में आगे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सारे कैंसर ट्रांसफर नहीं होते। अगर ऐसी कैंसर किसी फैमिली में है तो उनके बच्चों को आगे स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है, और आगे आने वाले टाइम में ऐसे बच्चों को कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन, लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी रहने एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर कि वो कब आ सकते हैं। थर्ड चीज आती है कि अब ब्रेस्ट कैंसर हमारे इंडिया में भी बहुत कॉमन है, तो ये पूछा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ क्या महिलाओं को होता है? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ 1% है। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक और बड़ी भ्रांति है कि ज्यादातर ओल्ड एज लेडीज को होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ज्यादातर जो बर्थ से लेकर 39 तक की एज है, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, ऑलमोस्ट 31%। और अगर आप बात करें 40 से लेकर 59 अर्थात 40 से लेकर 59 साल की आयु तक का, ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो चांसेस हैं सिर्फ 4% है। और अगर 60 से लेकर 80 तक की महिलाओं की बात करें तो इसमें सिर्फ 7% चांसेस है। तो सबसे जो यंगेस्ट एज ग्रुप है ऑलमोस्ट 40 साल का, और उसके बाद 60 से लेकर 80 साल तक का, इनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, और वो भी यंगर में ज्यादा है। तो एक बड़ी चीज आती है, क्या दूध पिलाने से या आप कहें प्रोटेक्शन है क्या कैंसर की? ऐसा प्रॉपरली हम इसको ट्रू नहीं कह सकता आमतौर पे, क्योंकि बात होती है कि दो प्रेगनेंसीज आमतौर पे हमारे यहाँ इंडिया में चलन है कि दो प्रेगनेंसीज होती हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो सी है वो हमारे कैंसर के रिस्क को कम करती है, ऐसा जरूर है, लेकिन उसको रोक देती है ऐसा नहीं है। फिर आता है कि क्या सेल फोन्स जो हम लोग यूज करते हैं क्या वो कैंसर कर सकते हैं? जहां तक यूट्यूब चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ लिखा जाता है कि सेल फोन से कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा या ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल नहीं है जिसके यहां पे हम ये कह सकें कि नहीं सेल फोन्स कैंसर करते हैं। फिर आता है कि पेन एक अगली सिम्टम नहीं, पेन अगली सिम्टम नहीं है। जब तक कि नर्व्स या बोन्स इन्वॉल्व नहीं है तब तक पेन नहीं आएगा। ज्यादातर जो कैंसर आता है वो साइलेंटली आता है, लेट सिम्टम के तौर पे जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तब जाके पता चलता है कि पेन या इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है। एक दूसरी बात कि कुछ लोगों के मन में भ्रांति कि कैंसर एक दूसरे से फैलता है, बिल्कुल नहीं फैलता, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक दूसरे से फैलने वाली या छुआछूत की बीमारी नहीं है। फिर आता है कि बच्चों को कैंसर कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडिया में भी एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया और रेटिनोब्लास्टोमा, ये बहुत रेटिनोब्लास्टोमा आई का कैंसर है, ये बहुत कॉमन है, बच्चों में देखने को मिलता है। फिर एक आता है क्या ओवरवेट या जिनको वजन बहुत ज्यादा है उनमें कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है? तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, ऐसे पेशेंट्स में ब्रेस्ट और यूट्राइन का कैंसर, खासकर औरतों में, और वो भी जो थोड़ा सा एज ग्रुप ज्यादा में है, 60 से अबव में है, तो उसमें जहां पे कैंसर खासकर जो ब्रेस्ट का और यूट्राइन का, बच्चेदानी का, सॉरी गर्भाशय का और
छाती का, स्तन का, ये कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप वेट का ध्यान नहीं रखते हैं। सो अपने BMI का, बॉडी मास इंडेक्स का आकलन कीजिए और अपने वेट को नियंत्रण में कीजिए। ये कुछ वो भ्रांतियां हैं जो कॉमनली देखने को मिलती हैं, और इसीलिए इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो हमारा समाज है उसमें जो भ्रांतियां हैं कैंसर को लेके, उनको खत्म किया जा सके। धन्यवाद।